नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आपका स्वागत करती हूं जीबीएन 24 में। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपना दमखम लगा रहे हैं। सभी ने अपने अपने एजेंडा फिक्स कर लिए हैं और राज्य में उसका प्रयोग करना भी शुरू कर दिया है। वहीं अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी इस बार भी अपने पुराने एजेंडा पर कायम है। वो हिंदुत्व के साथ ही साथ राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर चल रही है, लेकिन इसी के साथ ही साथ इसको लोकल टच देने का भी प्रयास कर रही है। इन्हीं मुद्दों के साथ साथ अलग अलग राज्यों में उसके अलग अलग संबंधित मुद्दे भी उठा रही है और सभी का समर्थन पाने की भरपूर कोशिश में लगी हुई है। वहीं अगर कांग्रेस को देखें तो उनके एजेंडा पर अगर नजर भी डाले तो उनके निशाने पर हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहते हैं और राहुल गांधी के हर भाषण में जातिगत जनगणना का सवाल भी उठाया गया है। देश के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव को लोकसभा चुनाव 2024 के रिहर्सल के तौर पर देखा जा सकता है। तैयारी तो सभी ने अपनी अपनी तरफ से की है और कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट की बात करें तो बीजेपी काफी आगे नजर आ रही है। विपक्षी गठबंधन INGIA के अस्तित्व में आने के बाद ऐसा लगा जैसे 2024 का ट्रेलर विधानसभा चुनावों में देखने को मिल सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह गठबंधन के सहयोगी दल आपस में ही लड़ रहे हैं, INGIA के खड़े हो पाने पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। ये सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और JDU भी लड़ रहे हैं, बल्कि अखिलेश यादव और कमलनाथ के बीच जो कुछ भी हुआ वो निराश करने वाला रहा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अखिलेश यादव के साथ कमलनाथ के व्यवहार पर आश्चर्य भी जताया है और मध्य प्रदेश पर असर ये हुआ कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश को लेकर कांग्रेस को चेतावनी देने लग रहे हैं। ये तो साफ है कि यूपी में गठबंधन होने पर किसे कितनी सीटें मिलेंगी, आखिरी फैसला समाजवादी पार्टी का ही होगा। वैसे मध्य प्रदेश में विपक्षी खेमे में जो भी दल चुनाव लड़ रहे हैं, सभी का मकसद 2024 में कांग्रेस के साथ गठबंधन की सूरत में बेहतर मोल भाव करना ही है। लेकिन ये बात साफ देखी जा सकती है कि आपस में कितने भी तनाव हो, लेकिन जातिगत जनगणना के मुद्दे पर पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा नजर आया। बीजेपी इस बार राज्यों के हिसाब से मुद्दे बदल रही है, जैसे राजस्थान में कन्हैयालाल हत्याकांड, तो तेलंगाना में उर्दू को दूसरी भाषा बनाए जाने को लेकर 3 बार दिवाली मनाने की बात तो घुमा फिरा कर बीजेपी नेता अमित शाह ने अपने ज्यादातर रैलियों में की है। राजस्थान में चुनावी माहौल बनने के काफी पहले से ही बीजेपी नेतृत्व ने उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड का मुद्दा उछालना शुरू कर दिया था। गृह मंत्री अमित शाह ने हत्या की पहली बरसी पर जून 2023 में ही राजस्थान की कांग्रेस सरकार को घेरना शुरू कर दिया था। बाद की चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्हैयालाल की हत्या के बहाने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए अशोक गहलोत को भी कई बार कटघरे में खड़ा किया। मोदी शाह के आरोपियों को काउंटर करने के लिए अशोक गहलोत ने ज्यादातर तथ्यों का सहारा लिया और बड़ी ही संजीदगी से सभी लगे आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने अपना बचाव किया। शायद यही वजह रही कि कन्हैयालाल की हत्या का मुद्दा बीजेपी के तमाम प्रयासों के बावजूद जोर नहीं पकड़ सका। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया। सनातन के मुद्दे पर बहस तो DMK नेता उदय निधि स्टालिन के बयान के बाद से ही शुरू हो गया था। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने भी हवा देने की कोशिश की थी, लेकिन ये बीजेपी के समर्थकों को एकजुट रखने में काफी मददगार साबित हुआ। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी सनातन मुद्दे का विशेष प्रभाव देखने को मिला। सनातन का इतना असर रहा कि अपने इलाके के बीजेपी विधायकों से नाराज लोग भी सनातन के मुद्दे के कारण बीजेपी के साथ ही बने रहने की बात कर पा रहे हैं। कांग्रेस तो वहां महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना लेकर उतरी है, जबकि बीजेपी ने परिवारवाद और मुस्लिम तुष्टीकरण के साथ साथ मुस्लिम आरक्षण और उर्दू को राज्य में दूसरी भाषा के रूप में मान्यता देने को मुद्दा बनाकर रखा हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी से दो दो हाथ करते मुख्यमंत्री KCR अपने रायतू बंधु स्कीम और तेलंगाना को समृद्ध बनाने के मिशन में
जुटे रहने की बात पर वोट मांग रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर जीत किसकी होगी और हमारी जनता किसे प्यार देती है। अलग अलग राज्यों में कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के खिलाफ स्थानीय मुद्दे भी उछाले गए। मसलन सीधे से ये पेशाब कांड का मुद्दा कई जगह उठाया गया। साथ ही कांग्रेस नेताओं ने बेरोजगारी और महंगाई के साथ बिजली, सड़क और पानी जैसे बेबुनियादी मुद्दे को लेकर बीजेपी को टारगेट करने की पूरी कोशिश की। तेलंगाना की बात करें तो मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और उनका पूरा परिवार बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस और गांधी परिवार के खिलाफ बेहद आक्रामक नजर आया। केसीआर के साथ साथ उनके बेटे केटीआर और उनकी बेटी कविता इक्कर में जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक सबका नाम लेकर कोस रहे थे और तेलंगाना की सारी समस्याओं की कांग्रेस के शासन और जिम्मेदार गांधी परिवार को बता रहे थे। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही, लेकिन ऐसे ही राजनीति से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जीबीएन 24।